Good morning, students. In microeconomics, now we are pursuing the chapter consumer equilibrium through indifference analysis. Indifference analysis related, जो भी हमने previous videos की हैं, उनमें हमने two concepts study किए हैं. One concept is of budget. And second concept is of preferences. Preferences means how the consumer weighs the importance of various goods. Through indifference schedule we have studied that. Today we would be studying the conditions under which the consumer is considered to be in equilibrium. Conditions of equilibrium. If I say in general language, पहले भी जब हमने ये start किया था chapter, I have told you that consumer would be in equilibrium when what he wants to buy becomes equal to what he can buy. जब consumer जो खरीदना चाहता है वो खरीद सके, ये stage होती है consumer equilibrium की. And when it comes to specifically studying this concept under indifference curve analysis, we are taking two concepts. One is budget, कि consumer अपनी दिए गई income या दिए गए prices में what he can buy. And second is the preferences, that how he weighs the value or the satisfaction or the importance of various goods. Now, condition क्या है equilibrium में आने की under indifference curve analysis? The condition is when the budget line becomes a tangent to indifference curve. This point. At this point, consumer will be considered to be in equilibrium. अब ये जो graph बनाया है, कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है. बजट लाइन क्या शो करती है कि गिवन इनकम में कंज्यूमर कितना खरीद सकता है. बजट लाइन के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं ये कंज्यूमर को कॉस्ट करते हैं उसकी इनकम से लेस. मतलब अगर मेरी इनकम 100 है तो ये बजट लाइन के नीचे का जो भी एरिया है उसमें अगर मैं कोई भी पॉइंट चूज करूंगी वो मुझे 100 रुपीज से कम कॉस्ट करेगा. एंड बजट लाइन के जो भी बाहर का एरिया है, जो भी बाहर का एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल दोज कॉम्बिनेशन विच कॉस्ट द कंज्यूमर मोर देन हिज इनकम. मतलब जो वो खरीद नहीं सकता गिवन हिज इनकम. अब कमिंग टू इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व क्या शो करती है कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन जो है वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन से मिल रही है. इफ वी आर स्टडिंग द इंडिफरेंस शेड्यूल नाउ गिवन दिस कर्व, अगर मैं इसके जैसी एक और कर्व बनाऊं, एक मैंने कर्व यहां पे बनाई, एक कर्व मैंने यहां पे बनाई, लेट अस नेम इट IC1, IC2 एंड IC3. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जितनी हाई आईसी बनती है इंडिफरेंस कर्व, जितनी ज्यादा हाई इंडिफरेंस कर्व होती है सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही हाई होता है. इसका मतलब IC1 से कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, IC2 से कंज्यूमर को IC1 से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी एंड सिमिलर इज द केस विद IC3. नाउ लेट अस स्टार्ट विद बोथ ऑफ दीस कर्व्स. अगर IC1 की बात करें, हमने ये तो कह दिया कि IC1 क्योंकि ये हायर IC है इससे सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को ज्यादा मिलेगी, बट कैन ही बाय IC1 में जो भी कॉम्बिनेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक चीज आपको ध्यान देनी है कि वो सारे कॉम्बिनेशन बजट लाइन से बाहर है. इसका मतलब IC1 में आ रहे कोई भी कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर खरीद नहीं सकता. सो ऑन दिस पॉइंट ऑफ कर्व इक्विलिब्रियम स्ट्राइक नहीं कर सकता. नाउ कमिंग टू IC3 में बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं विच इज कॉस्टिंग लेस देन हिज बजट. कंज्यूमर को उसके बजट से कम पड़ रहे हैं. अगेन, अगर बजट से कम में पड़ रहे हैं एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट लोअर IC, अगर IC लो है तो उसका सेटिस्फेक्शन कम होगा, अगर IC हायर है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा. इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंपेयर करूं IC2 और IC3 में,
तो कौन सी इंडिफरेंस कर्व में या कौन सी इंडिफरेंस कर्व ऐसे कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करती है जिसमें कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, देन द आंसर वुड बी IC2। अगर ये दोनों को हम कंपेयर करें तो इन दोनों में से कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन सी IC में मिल रही है, IC2 में। तो कंज्यूमर ने करना क्या है इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए, कंज्यूमर ने ये करना है कि दिए गए पैसों में बेस्ट चीज लेकर आए। तो अगर उसके पास पैसे अवेलेबल हैं, ये सारा एरिया मैंने इनकम के लिए अगर दिया हुआ है, अगर वो यहाँ तक खर्चा कर सकता है तो यहाँ तक क्यों करेगा? He will try to get the best out of his income. So he will try to share highest possible IC, which is in under his budget. Now, so IC3 में जो भी combinations शो किए गए हैं, ये कंज्यूमर को लेस सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ ऑप्शन। अब रह गई ओनली वन IC, दैट इज IC2। IC2 में भी बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो बजट लाइन के बाहर हैं, बट क्या कोई कॉम्बिनेशन ऐसा है जो बजट लाइन को टच कर रहा है? दिस इज द पॉइंट, आई कैन नेम इट एज ए ही और एनी ही। ये वो पॉइंट है जहां पे IC बजट लाइन को टच कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस है, दैट व्हाट ही वांट्स टू बाय बिकम्स इक्वल टू व्हाट ही कैन बाय। सो बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व जहां पे ये दोनों टच कर रही है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करता है। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे भी जो टच कर रही है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज कंज्यूमर हैज द चांस टू शिफ्ट टू द हाईएस्ट पॉसिबल IC। आई एम अगेन सेइंग, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो अपनी दी गई इनकम में बेस्ट कॉम्बिनेशन बाजार से खरीद के लेके आता है। तो अगर कंज्यूमर के पास चांस है टू शिफ्ट टू द बेटर क्वालिटी, व्हाई वुडंट ही? सो दैट इज व्हाई IC3 और IC1 को कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आएगा। क्यों? क्योंकि IC1 में आ रहे सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के बजट के बाहर है, एंड IC3 में आ रहे जो कॉम्बिनेशन है वो कंज्यूमर को पॉसिबल सेटिस्फेक्शन से कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ग्राफिकली इफ यू नीड टू रिप्रेजेंट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, द सिंपल रिप्रेजेंटेशन इज व्हेन बजट लाइन इज अ टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, एट दिस पॉइंट कंज्यूमर विल बी स्ट्राइकिंग हिज इक्विलिब्रियम। नाउ इफ वी टॉक अलजेब्रिकली, ये जो ग्राफ बनाया है, अगर इसी चीज को हमें अलजेब्रिकली डिफाइन करना पड़े तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, या हम कैसे लिखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कौन सी कंडीशन पे आए? IC का जो कर्व होता है, वाई इज इट कॉन्वेक्स? इट इज कॉन्वेक्स बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आई एम राइटिंग इट एज MRS। ये कॉन्वेक्स इसलिए होती है बिकॉज इसका जो शेप है वो कॉन्टिन्यूसली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्योंकि डिक्रीज करता है, उसी से ये शेप चेंज होता है। एंड जो बजट लाइन है, बजट लाइन का स्लोप कैसे बनता है? बजट लाइन का स्लोप बनता है रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड। इट मींस इफ आई टेक टू कमोडिटीज, लेट अस से एक्स एंड वाई, तो यहां पे बजट लाइन का स्लोप बनता है PX/PY। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन क्योंकि हर टाइम जो रेशियो है वो सेम रहती है। इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल कि अगर मुझे 20 रुपए की एक चीज लेनी है तो 10 रुपए की मुझे दो चीजें छोड़नी पड़ेंगी, अगर एक और चीज 20 रुपए की लेनी है तो 10 रुपए की दो अगेन और चीजें मुझे छोड़नी पड़ेंगी। सो द प्राइस ऑफ रेशियो ऑफ द प्राइजेस रिमेन सेम, एंड हियर इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व दिस MRS गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो अगर एलजेब्रिकली हमें कंडीशन लिखनी पड़े कि कौन सी कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आएगा, PX/PY इज इक्वल टू MRS/XY, जहां पे कंज्यूमर के प्राइसेस की रेशियो कि एक चीज की एक और यूनिट लेने के लिए उसको दूसरी चीज की कितनी यूनिट्स छोड़नी पड़ेंगी, जहां पे ये रेशियो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर आ जाए, दो कमोडिटीज के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर आ जाए, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। सो दिस इज हाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो ग्राफिकली एक्सप्लेन की जाती है। नाउ कमिंग टू द कंडीशंस दैट व्हाट यू शुड बी नोइंग, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड यूटिलिटी एनालिसिस, ये दो डिफरेंट अप्रोच हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के।
अभी जो अप्रोच है, अभी जो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में आपको दो कॉन्सेप्ट स्टडी करने होते हैं, वन इज कंज्यूमर्स बजट एंड सेकंड इज हिज प्रेफरेंसेस। ये बजट और प्रेफरेंसेस को ही मिला के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेज पे जाता है। आपको एल्जेब्रिकली एंड आपको ग्राफिकली कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम स्टेज डिफाइन करनी आनी चाहिए। थैंक यू।